स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे गर्ल फ्रॉम नोवेयर एपिसोड नंबर 6 को। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है फुटबॉल खेलते हुए लड़कों से। हम यहीं पर देखते हैं ओ को, वो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है और ये सारी लड़कियां इसकी दीवानी है। और यहीं पर हम देखते हैं एपिसोड की मेन कैरेक्टर बाम को। बाम हमेशा ओ के आगे पीछे घूमती रहती है और बाम इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। ये बाम से कहती है कि क्या हम आज आइसक्रीम खाने चल सकते हैं। बाम कुछ बहाना बनाकर मना कर देता है। फिर ये एंट्री होती है नानो की, जो अभी न्यू आई है स्कूल में और इसे फुटबॉल टीम का को मैनेजर बना देता है और मैनेजर बाम है। ओ की आंखें नैनो पर ही अटक जाती है और ये देखकर बाम बहुत ज्यादा जलती है। अब फुटबॉल टीम के सभी प्लेयर्स नानो को खूब भाव देते हैं और वो इसे आइसक्रीम लाकर भी खिलाता है और बाम ये देखकर गुस्से में जल जाती है कि अभी जब इसने बोला तो ओ ने मना कर दिया था, पर अब ये नानो को आइसक्रीम लाकर खिला रहा है। अब देखते ही देखते ओ और नानो की काफी बनने लग जाती है और ये बात बाम से देखी नहीं जाती है। बाम बाथरूम में बैठी होती है और गुस्से में वॉल पर लिख देती है कि नानो के फेस से गंदी बदबू आती है और नानो ये देख लेती है और इसे पता भी चल जाता है कि ये बात बाम ने लिखी है। बाम रात को घर आती है और यहाँ ये अपनी सिस्टर के साथ रहती है और इसे ब्लॉग्स लिखना बहुत पसंद है। लोग इसके ब्लॉग्स को पढ़ते हैं और काफी अच्छे रिस्पॉन्स भी करते हैं। बाम आज की सारी जितनी भी बातें हुई वो अपनी डायरी में लिख रही होती है। अगले दिन स्कूल में नानो और ये जा रहे होते हैं क्लोथ्स को धोने के लिए और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। प्लेयर्स भी खेल कर जब आते हैं तो उनको भी बहुत गंदी स्मेल आती है और पता नहीं चलता कि स्मेल आखिर आ कहाँ से रही है। और तभी थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि ये नानो के फेस से आ रही है। सब उससे दूर भाग जाते हैं। बेचारी नानो बहुत रोती है वहां पर और वो भी भाग जाती है। फिर बाम शॉप पर जाती है अपने लिए एक पेन खरीदने के लिए, क्योंकि इसको पता चल गया है कि जो बात इसने दीवार पर लिखी थी वो अब सच हो चुकी है, इसलिए ये अब नया पेन खरीद रही है। और यहीं पर हम देखते हैं नानो को, जो कि अपने लिए फेस वॉश और क्रीम लेने के लिए आई हुई है ताकि इसके फेस से अच्छी स्मेल आए। बाम यहाँ से बाथरूम में जाती है और उसे समझ तो आ ही गया है कि आगे चल गया रहा है, तो वो दीवार पर लिख देती है कि वो बाम से बहुत प्यार करता है, क्लास रोल नंबर सेक्शन सब कुछ लिख देती है ताकि काम बहुत आसानी से हो जाए। यहाँ से जाते हुए इसके स्पोर्ट्स टीचर मिलते हैं और इससे बातें करने लग जाते हैं। तभी फुटबॉल आता है इनकी तरफ उड़ता हुआ, वो आकर इनको बचा लेता है। बाम को लगता है कि वो ने उसको बचाया है, पर वहां पर वो कहता है कि मैंने टीचर को बताया है और फिर यहाँ से चला जाता है। यही वो की टीम का एक प्लेयर आता है और मजाक बनाता है बाम का, कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगा और तुम्हारी शक्ल ऐसी है वैसी है, मतलब उसकी बहुत बुराइयां कर डालता है। बाम गुस्से में जाकर वॉल पर लिख देती है कि ये लड़का कुत्ता बन जाए, और होता भी ऐसा ही है। देखते ही देखते वो लड़का एक डॉग बन जाता है और सबको काटने लग जाता है। इस लड़के को ले जाने के लिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। यहाँ बाम उसे खड़ी देख रही है और बहुत खुश है, इसे मजा आ रहा है। नानो इससे बात करने आती है पर नानो से स्मेल आ रही होती है इसलिए ये भाग जाती है। अब कैंटीन में खाते हुए भी ये लिखती है कि नानो एक डॉग है, नानो डॉग जैसा करने लगती है। तभी लड़की आ जाती है और बाम को वो छुपाना पड़ता है। अब बाम घर आकर सभी पेन को लिखकर देख रही होती है, वो सभी से लिखती है वो लव्स बाम। इसकी सिस्टर आ जाती है और कहती है कि क्या काला जादू लिख रही हो तुम, और एक्चुअल में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये सही में काला जादू ही कर रही है। तभी वो मैसेज करता है और ये खुश हो जाती है कि लगता है अब ये मुझे प्रपोज करने वाला है, बट वो इससे नैनो की बात करता है तो ये फोन को गुस्से में रख देती है। फिर बेड में जाकर आज की सारी बातें डायरी में लिखती है। मेरे पास डेथ नोट वाली पावर्स आ गई है, ये भी बात लिखती है ये। यही इसकी मॉम इसे कॉल करती है और हमें इसकी मॉम और इसका रिलेशन भी समझ आ जाता है और ये दोनों काफी अच्छी हैं और दोनों बातें करती हैं। अगले दिन बाथरूम में बैठकर ये कुछ लिखने का प्लान बना रही होती है। तभी बाहर कुछ लड़कियां एक लड़की को मार पीट रही होती हैं क्योंकि उसने इनका होमवर्क नहीं किया है। मार पीट के जब ये चली जाती है तो ये बाहर आती है और इस लड़की से कहती है कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वो लड़की कहती है हाँ। बाम इसको बता देती है कि अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम दीवार पर कुछ भी लिख सकती हो, वो सच हो जाएगा। ये लड़की सुनकर यहाँ से चली जाती है। यहीं पर हम बाहर सफाई वाली आंटी को देखते हैं। बाम जब नीचे ग्राउंड में जाती है सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर, तो नानो अब ठीक हो गई है, मतलब अब इसमें से स्मेल नहीं आ रही है। सब इसकी कोल्ड ड्रिंक छोड़कर नानो की कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं। जो लड़का डॉग बन गया था अब वो भी वापस आ चुका है। बाम को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो भागकर बाथरूम में जाती है तो देखती है कि सफाई वाली आंटी ने दीवार की सफाई करके सारी चीजें मिटा दी हैं। बाम इसे मिटाने से मना करती है। काफी देर बहस हो जाने के बाद बाम इनसे बता देती है कि यहाँ पर जो भी लिखो वो सच हो जाता है। ये आंटी कहती है कि मुझे पागल समझाए क्या, भाग जाए यहाँ से। और आंटी जाकर स्पोर्ट्स टीचर को सब बता देती है कि एक छोटे बाल वाली लड़की है जो कि बहुत बदतमीज है और पूरे दीवार को गंदा करती रहती है और अजीब अजीब चीजें लिखती है। बाम ये सब देख लेती है और टीचर आकर इसको खूब डांटते हैं कि तुम्हें सफाई वाली आंटी के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। और गुस्से में जाकर बाम बाथरूम में कुछ लिख देती है
और हमें दिखाया नहीं जाता कि क्या लिखा है। और अगले सुबह जब सारे बच्चे स्कूल आते हैं तो उन आंटी ने फांसी लगा ली होती है और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। नानू वहीं खड़ी खूब रो रही होती है और बाम की तो हालत ही खराब हो जाती है ये देख कर कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई। यही वो बुली होने वाली लड़की भी आती है और कहती है कि मैंने देखा था तुमने वॉल पर क्या लिखा था। और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है। ये बुली हुई लड़की इसके पास आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ ये तुम्हारी वजह से मरी है, क्योंकि जो तुमने वॉल पर लिखा था वो मैंने देख लिया है। बाम भाग कर जाती है और वो लिखा हुआ साफ कर देती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है नानो और वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और नानो खूब रो रही है। बाम वापस बाथरूम में जाकर लिख देती है कि नानो के फेस पर बहुत सारे पिंपल्स निकल जाए, और बिल्कुल होता भी ऐसा ही है। यही बाहर आकर देखने पर पता चलता है कि वो आंटी भी जिंदा हो गई है, क्योंकि बाम ने जो लिखा था वो अब तो मिटा दिया उसने इस वजह से। अब बाम उन्हें देखती है और डर जाती है, इसे लगता है कि वो भूत है। अब बाम डरी हुई है घर आकर अपनी मॉम से बातें करती है और पूछती है कि क्या मरे हुए इंसान जिंदा हो सकते हैं। उसकी मॉम बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। और बाम फिर सपने में भी नैनो और उस आंटी को देखती है और खूब डरती है। अगले दिन इनकी क्लास से एक लड़की जंप करके सुसाइड कर लेती है, और ये वही लड़की है जो बुली किया करती थी, और ये उस लड़की ने किया है जिसको ये लोग बुली किया करते थे, मतलब उसने अपना फाइनली बदला ले लिया है। बाथरूम में आकर देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लड़की बिल्डिंग से कूद जाए। अब नानो भी यहीं आती है और बाम से बहुत अच्छे से बातें करती है। लंच टाइम में एक लड़की पागल हो जाती है। वहीं स्कूल की एक लड़की को स्लट बना दिया जाता है। प्रिंसिपल की भी डेथ हो जाती है और इसको तो स्कूल के एक टीचर ने ही मारा है उसका नाम लिखकर। अब यहाँ पर जो ये वॉल वाली बात है पूरे स्कूल में फैल चुकी है और जिसके मन में जो आ रहा है वहीं पर लिख दे रहा जाकर। बाम वॉल पर देखती है तो पूरी वॉल भर चुकी है। वहीं लिखा हुआ है कि आज वो का लेग टूट जाएगा। बाम उसे देखने के लिए जाती है और उसको घर जाने को कहती है, पर वो इसकी बात कहाँ ही सुनता है, और तब इसका पैर टूट जाता है। और इसके टीममेट ने ही वॉल पर जाकर ये लिखा था। बाम को ये बात पता भी चल जाती है। बाम इसे मिटाने को कहती है पर ये नहीं मिटाता है। बाम गुस्से में वॉल साफ करने के लिए चली जाती है और वॉल पर लिखा हुआ है कि जो इस वॉल को साफ करेगा उसकी मौत हो जाएगी। और बाम परेशान हो जाती है क्योंकि अब ये वॉल को साफ भी नहीं कर सकती है। बाम बाहर आकर बैठी हुई होती है, तभी नानो इसके पास आती है और इसको सब कुछ बता देती है जो जो इसने किया है। नानो को सब कुछ पता है। वो बताती है कि तुम्हारी वजह से इतनी सारी मौतें हो रही हैं, तुमने सब कुछ फैलाया और तुम कितनी खुश हुआ करती थी शुरू में, अब तुम्हें पता चल रहा है कि कैसी हालत हो गई है पूरे स्कूल की। बट यहाँ पर बाम डरी हुई है और कहती है कि तुम कौन हो, पर नानो इसको कुछ नहीं बताती क्योंकि नानो एक मिस्टीरियस गर्ल है। बाम गुस्से में वॉल साफ करने जाती है और नानो चिल्लाकर सबको बता देती है कि ये वॉल साफ करने जा रही है। सब इसे रोकने के लिए जाते हैं और ये बाथरूम में घुसकर उसे बंद कर लेती है। पूरे स्कूल के बच्चे बाहर खड़े होते हैं और उसको अंदर से खोलने को बोल रहे होते हैं। सभी बाहर चिल्ला रहे हैं और ये पैनिक होकर दीवार पर कुछ लिख देती है। तभी एकदम से शांति हो जाती है और जब ये बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर इसे कोई नहीं दिखता। ये पूरे स्कूल में आकर ढूंढती है किसी को, पर यहाँ पर कोई नहीं दिखता। हल्की सी नानो हमें दिखती है पर वो भी गायब हो जाती है वहाँ से। और फिर हम देखते हैं वॉल पर लिखा हुआ है, बाम ने लिखा था कि सब यहाँ से गायब हो जाओ, और अब पूरी सिटी में कोई नहीं है, मतलब सब गायब हो चुके हैं। बाम अकेली है। ये घर आती है, अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करती है, पर इसके फ़ोन से सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी अब गायब हो चुके हैं, और ये अपनी मॉम के लिए बहुत दुखी होती है। अब दुनिया में बस बाम ही अकेली बची हुई है। जब ये मिरर में देखती है तो ये मिरर में अपने आप को नहीं देख पाती क्योंकि ये भी गायब हो चुकी है, क्योंकि इसने एवरी वन लिख दिया था वहाँ पर। और लास्ट में ये खूब चिल्लाती है बट अब कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पर ये वाला एपिसोड और ये वाली स्टोरी भी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और भी ऐसी वीडियोस के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।